इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बहुचर्चित महिला नेत्री रिदा रशीद व शिवसेना मुस्लिम संघ के थाने जिला अध्यक्ष अनवर कच्छी, गिरीश सिलोत्रे, जावेद अंसारी की उपस्थिति में आज मुस्लिम समुदाय से 35 युवा व महिलाएं शिवसेना में शामिल हुए, जिनका सत्कार व सम्मान रिदा रशीद के हाथों किया गया। दर्शकों को बता दें कि ये वही रिदा रशीद हैं जो शहर में यूडी द्वारा पास किया गया कब्रिस्तान को लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन कर शासन प्रशासन तथा शहर के दिग्गज नेताओं को हिलाकर रख दिया था। आज जब वही रिदा रशीद शिवसेना में प्रवेश करने वाले लोगों का सत्कार करने लगी तो चर्चा ये भी चली कि क्या रिदा रशीद भी शिवसेना में शामिल हो गई। हालांकि रिदा रशीद ने इसका खंडन किया है। हमने इस मौके पर रिदा रशीद व शहर के विधायक को हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले अनवर कच्छी से बातचीत की है। आइए जानते हैं इस मौके पर भाजपा की रिदा रशीद व अनवर कच्छी जी का क्या कहना है। अनवर भाई, आज बड़ी संख्या में लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको क्या पोस्ट दिया गया, आप किस शर्त पे पार्टी में शामिल हुए? पैनल नंबर 33 के अध्यक्ष बनाए गए वसीम शेख को, ये सैनिक नगर के हैं इन लोग। तो कुछ टाइम पहले हम लोग उधर गए थे राउंड मारने के लिए, तो इनको कुछ ऐसे मसले थे जिनके कुछ हद तक हम लोगों ने हल कर दिया, बाकी का हम लोग ने आश्वासन दिया। तो हम लोग की जो शिवसेना की कामगिरी इन्होंने देखी तो इन लोग को एक जज्बा पैदा हुआ कि वाकई शिवसेना वाले काम करते हैं, खाली बोलते नहीं है। तो हम लोगों ने इनको ये तैयार किया कि आप भी हमारे टीम में आओ, आप भी लोगों के काम करो, ये बोल के इन लोगों को किया गया है। और इन लोग शिवसेना में आने के बाद काफी खुश है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? मेरी मुमरा के आवाम से ये खास करके जिनसे गुजारिश है कि आप घर के बाहर उतरिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और अपनी मदद की लोगों को बताइए। मैडम, आज यहाँ पर 35 से 40 लोग जो है शिवसेना में शामिल हुए और सबका सत्कार व सम्मान और जो प्रमाण पत्र देना था वो सब आप ही के हाथ से हुआ, तो ऐसे में जो है इस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में जो है शिवसेना में भी जा सकती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस, ये शिवसेना और भाजपा का गठबंधन है और चर्चा ये भी है कि आप आमदारगी भी लड़ने वाली हैं और ये जो है शिवसेना के ही कोटे में ये टिकट जाने वाला है, तो ऐसे में ये अफवाहों का बाजार जो है गर्म है कि रिदा रशीद मैडम जो है शिवसेना में जा सकती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं शिवसेना में जाऊं या नहीं जाऊं बाकी बात है, बट आप लोगों ने देखा है अभी इलेक्शन चल रहे हैं और भाजपा शिवसेना यूपी एमपी इलेक्शन चल रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं हम लोग, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो कुछ पार्टी में जुड़े हैं तो वहां पर मैं हूं, तो मेरे हाथों से उनका स्वागत किया गया है तो ठीक है ना। तो मैंने स्वागत किया तो उसमें ये मतलब नहीं कि मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर यूपी में काम चल रहा है सबसे ज़्यादा हमारी यूपी को वोट पड़ने वाला है। और आपको पता है दिल्ली में हमारी सरकार बनने वाली है, यहाँ से श्रीकांत सिंधे साहब यहाँ से जीत के जाने वाली यूपी में है और यूपी में काम कर रहे हैं, तो उसी पर ये स्वागत। मैडम, कल वोटिंग का दिन है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपकी वोटरों से क्या अपील है? मैं हमारे सभी भाइयों से, बहनों से, फर्स्ट टाइम वोटरों से कहूँगी सबसे ज़्यादा जाकर वोट करना है, हमारे देश के लिए करना है, देश में सही सरकार बने, जिस सरकार ने गरीब का काम किया है उस पर ध्यान देते हुए हमें सरकार को वोट करना है, सही सरकार आए और हमारे देश की तरक्की और दिन बढ़ती जाए, इसके लिए हमें वोट करना है। हमारा वेट ज़्यादा नहीं करना है, किसी को भी वोट नहीं देना है, खास करके मैं कहूँ। आप ये कहना चाहती हैं दर्शकों से, वोटरों से, कि ऐसी सरकार चुने जो देश में दंगा ना भड़काए, देश में जो है जात पात की नीति ना करे, इस तरह की अपील आपसे पब्लिक? देखिए, लास्ट 5 साल में आप लोगों ने देखा है कि गंभीर हो गए, जो बाकी के सेक्टर 60 सालों में देखा है, लास्ट के 5 सालों में देखा है कि आप कोई दंगे नहीं हुए कुछ, जैसे हमारे बच्चों के जो पुलिस केसेस वगैरह, अगर मैं उमरा का ना बात करूँ तो बाकी का पूरा देश में शांति बनाए रहा, आगे भी बनाए रहेगा, वो ध्यान देते हुए हमारे कौम को और हमारे सभी देशवासियों को, उसी सरकार को और भाजपा शिवसेना की सरकार को, मैं सभी लोगों को कहूँ कि क्या देश की महिला की जो सरकार है, देश की कितनी जो सरकार है, वो सरकार वोट करें और सबका काम देखें, काम किसने कितना किया है, कितने साल हुए और कितना काम हुआ है, उस ताकि सभी को देखते हुए हमें वोट करना चाहिए, लेकिन वोट जरूर करना चाहिए, मेरा देश ने हमें हक दिया है। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।